ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। वेलकम दोस्तों, तेरा घर ये मेरा घर, इस कार्यक्रम में मैं वनश्री आवाज़ इंडिया की तरफ से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे परिवारों से जिस घर का आंगन, जिस घर की संस्कारों की डोर हमें ये कहने पर मजबूर कर देती है दोस्तों कि हाँ, यही है जिंदगी। तो ऐसे ही एक परिवार से हम आपको मिलवाते हैं। जल्दी क्या है भाई, मिलते हैं घर। घर चाहे कैसा भी हो, घर के कोने में खिलखिलाकर हंसने की जगह रखना, सूरज कितना भी दूर हो उसे घर तक आने का रास्ता दिखलाना, कभी छत पर चढ़कर तारे जरूर गिन लेना, कभी हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना, भीगने देना बच्चों को, कागज की कश्तियों को तैरने देना, कभी फुर्सत मिले तो छत पर चढ़कर आकाश में पतंग उड़ा लेना और एक हाथ पेच आप भी खींच लेना, घर के सामने वृक्ष पे बैठे पंछियों की आवाज चुपके से सुनना और वो क्या कहते हैं ये समझने की कोशिश करना। घर, घर चाहे कैसा भी हो उसके कोने में खिलखिलाकर हंसने की जगह रखना। आज मैं खड़ी हूँ दक्षिण नागपुर के रामेश्वरी एरिया में और ढूंढते ढूंढते आई हूँ ऐसा ही एक घर। तो आइए प्रवेश करते हैं इस घर में और मिलते हैं इस घर परिवार के लोगों से। आज हम मिलने जा रहे हैं दुपारे परिवार से। जी हाँ, दुपारे परिवार नागपुर के इस रामेश्वरी एरिया में मिलजुल कर रहता है। बड़ा ही हंसता खेलता ये परिवार अपने स्नेह भाव से हमें अपना बना लेता है। आम्बेडकरी बुद्ध धम्म फुले विचारों का ये परिवार आज भी संयुक्त परिवार के अस्तित्व की संविदा बान के खड़ा है। तो आइए परिचय कर लेते हैं इस परिवार के सदस्यों से। ये है इस परिवार के मुखिया प्रभाकर तुकाराम जी दुपारे। 56 साल के है ये, पत्रकार भी है और नाटककार भी, लेखन में भी इनका काफी प्रभुत्व है। साता समुद्र पलीकड़े इस बेहतरीन किताब के लेखक है ये और घर के सभी सदस्यों के साथ वक्त बिताना इन्हें काफी पसंद है। ये है इस घर की गृहिणी चंद्रकला प्रभाकर दुपारे। काफी हसमुख स्वभाव की है ये, पूरे चाव से इस परिवार को सजो के रखा है इन्होंने, पूरे घर के सदस्यों का ख्याल रखती है ये। 56 साल की यह गृहिणी अपने महाविद्यालयीन काल में नाटक में रुचि रखती थी और घर काम करना इन्हें काफी पसंद है। ये है इस घर के बड़े बेटे आकाश प्रभाकर दुपारे। 28 साल के है ये, पेशे से शिक्षक है, एक निजी कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। और ये है इस घर की बड़ी बहू विशाखा आकाश दुपारे। बड़ी ही कर्तव्य दक्षक बहू है इस परिवार की। 27 साल की यह महिला शिक्षक होने के साथ साथ घर का भी ख्याल रखती है, गाने सुनने काफी पसंद है इन्हें। ये है इस घर के और एक बेटे अंकुर प्रभाकर दुपारे। 26 साल की उम्र के ये नौजवान होटल मैनेजमेंट की शिक्षा पूरी कर चुके हैं, साथ ही साथ फुर्सत के पलों में इन्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। आइए मिलते हैं इस घर के सबसे छोटे बेटे से। ये है अंतिम प्रभाकर दुपारे। 24 साल की ये छात्र है और काफी बेहतरीन गुणों के साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। अब मिलते हैं इस परिवार के सबसे छोटे नटखट राजकुमार से, प्रिंस आकाश दुपारे। जी हाँ, विशाखा जी और आकाश जी के नन्हे बेटे घर में प्यार का समा बांधने का काम करते हैं। दादा दादी के दुलारे, चाचा के प्यारे और माता पिता के आंखों का तारा। तो ये है दुपारे परिवार। तो चलिए मिलते हैं दुपारे परिवार से इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ये तेरा घर ये मेरा घर। तो हम पहुंच गए हैं इस घर में। ये घर है प्रसिद्ध नाटककार प्रभाकर जी दुपारे इनका। तो मिलते हैं इस परिवार से और बातचीत करते हैं इस परिवार के लोगों से। अब मिलते हैं इस घर की श्रीमती जी से। जी हाँ, इस घर की श्रीमती जी का नाम है चंद्रकला जी। आइए उनसे मिलते हैं। आइए, कैसी है आप? ठीक। तो सबसे पहले चंद्रकला जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमें इस घर में बुलाया और हमसे बातचीत कर रहे हैं आप। तो आपके मुताबिक
आपका घर कैसा है, कैसा लगता है आपको ये घर? घर अपना घर अपना घर होता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पर जब शादी से पहले लड़की के कुछ अरमान होते हैं, कुछ सपने होते हैं अपने ससुराल के बारे में, जब आज इस घर में शादी करके आई तो क्या आपको वैसा ही घर मिला जो अपने सपने में सोचा था? हाँ, वैसे ही घर मिला, लेकिन थोड़ा कम ज़्यादा होता है। मैं साधारण घराने की लड़की हूँ, यानी हाई फाई नहीं हूँ, लेकिन यहाँ घर मुझे शुरुआत को छोटा सा मिला, लेकिन अपने अपने बदौलत में, हम लोगों ने अपने बदौलत में घर अच्छे। वाह, काफ़ी अच्छे विचार है आपके, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? बिल्कुल। बैठिए ना, कुछ बातचीत करते हैं। काफी अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। काफी बड़ा और काफी हरा भरा परिवार है आपका, आपकी बहू है। जब आप नई नई आई थी तो कैसे संभाला आपने इस घर को? मुझे बहुत तकलीफ हो गई, क्योंकि साहब महासागर में थे, गंभीर परिस्थिति थी, यानी हालाकि की परिस्थिति थी। झोपड़ा था हमारा घर, वहाँ गोबर से पोतना था, चूली लाके वो क्या बोलते हैं उसको, लड्डू डालना था, सेगड़ी जलाना था, बहुत बहुत समस्या आई थी। तो यानी वैसे करते करते यहाँ तक हमने, यानी बच्चे होने के बाद अच्छा थोड़ा पैसा आता गया और घर की हालत सुधरती गई, यानी तकलीफ हुई थोड़ी। तो जैसे कि आपने बताया काफ़ी गंभीर समस्या थी आपके घर की, तो ऐसे परिस्थिति में कैसे पढ़ाया आपने अपने बच्चों को, कैसे संस्कार दिए उन्हें? पढ़ाए इंग्लिश मीडियम नहीं दी थी तब, मराठी मीडियम ही दी थी, क्योंकि परिस्थिति गंभीर थी, लेकिन पढ़ाए। अभी तक एक लड़का मेरा साइंस बीएससी बीएड हो गया, दूसरा होटल मैनेजमेंट हो गया, तीसरा ग्रेजुएशन कर रहा। और रही संस्कार की बात, संस्कार देना नहीं पड़ता। जो घर में अपन बड़े लोग एकमेक के साथ व्यवहार करते, यानी जैसे घर में जैसी हलचल रहती वैसे संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ते। ये बात तो सही कही आपने, पर अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं, बहू आ गई है, पोता हो गया है, तो कैसे लगता है आपको ये हरा भरा परिवार? जब आप ऐसे दिन याद करते हैं कि ऐसी एक परिस्थिति हम पे आई थी, और आज जब आप इस हरे भरे माहौल में जीते हैं, तो कैसा लगता है आपको? अभी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो अभी पैसा नहीं होना, जब पैसे होना चाहिए थे तब पैसे नहीं थे, लेकिन अब पैसे है तो पैसा नहीं होना, धन दौलत नहीं होना। अभी घर भरा भरा है मेरा, नाती है, बहू है, तीन बच्चे है और साहब है, बहुत अच्छा लगता है। काफी अच्छे संस्कार दिए हैं अपने अपने बच्चों पे, हमने उनसे भी बातचीत की है, तो आपके संस्कार तो पूरे दिखाई पड़ते हैं उनपे। तो संस्कारों की जब बात चलती है तो उसमें त्योहार तो आते ही है, तो आप अपने घर में कौन से त्योहार मनाते हैं हमें बताएंगे? मैं बाकी त्योहार नहीं मनाती, सिर्फ दसरा 14 अक्टूबर, 14 अप्रैल और ये वर्षावास के 2-3 महीने आते वही मैं त्यौहार मनाती, बाकी त्यौहार नहीं। और संविधान दिवस। काफी अच्छे त्यौहार बताए हैं आपने, कैसे मनाते हैं ये त्यौहार आप अपने घर पे? ये 14 अप्रैल है, सवेरे मैं खीर पूरी बनाती घर में और बच्चों के नए कपड़े लेते हैं, और हम घर के सभी लोग बाबा साहब के पुतले के पास जाते, वहाँ हार चढ़ाते और घर में आते। और दशहरे के दिन हम दिवाली जैसे करते, फटाके, दीवाली लगाते, फटाके, और लोगों को नाश्ते के लिए बुलाते दशहरे के दिन। और संविधान के दिन तो मैं वहाँ जाती है अपने रिजर्व बैंक के पास। आपसे तो बातचीत चल ही रही है, पर आपके साहब से, परिवार के बाकी सदस्य से भी मैं बातचीत करना चाहती हूँ, पर होम मिनिस्टर के नाते आपसे परमिशन तो लेनी पड़ेगी, क्या मैं उनसे बातचीत कर सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। तो हमें परमिशन मिल गई है घर के बाकी सदस्यों के साथ बातचीत करने की, तो चलिए बातचीत करते हैं उनसे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक कहीं मत जाइएगा और रिमोट को छुइएगा भी मत। मिलते हैं इस कार्यक्रम में, ये तेरा घर ये मेरा घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन
हमने सबसे पहले आपकी श्रीमती जी से बातें की है और उनकी परमिशन के साथ ही हम आपसे बातें करने आए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कैसा लगता है आपको आपका घर? क्या सोच विचार है आपके घर के बारे में? देखिए, घर के बारे में मेरी कुछ अलग कल्पनाएं हैं। दीवार या खिड़कियां, दरवाजे, या तो बहुत खूबसूरत घर है तो वो घर में मानता नहीं। घर का मतलब है उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनके बीच में बहुत स्नेह भाव और बंधुत्व रहना चाहिए। जैसे भाई भाई है तो उनका एक दूसरे के प्रति बहुत लगाव होना चाहिए या उनका प्रेम होना चाहिए, या पति पत्नी है तो एक दूसरे को हमेशा मदद करने के लिए वो आगे आना चाहिए। कोई दीवारों के वजह से या कोई बहुत बहुत बड़ा घर है तो मैं उस बात को घर नहीं मानता। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप पेशे से एक पत्रकार हैं, तो इस कार्य में आपको बहुत सा जो वक्त होता है वो घर से बाहर बिताना पड़ता है, तो किन कठिनाइयों का सामना आपने किया है घर के बारे में? देखिए, पत्रकारिता जो पेशा है वो मैंने जानबूझकर अपनाया है। मैं मन से और मेरे स्वभाव से लेखक हूँ, लिखना मुझे बहुत पसंद है। तो पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है कि जो जिसमें लिखने के लिए बहुत स्कोप है। ये तो बात सच है कि पत्रकारों को बहुत कम समय घर में बिताने के लिए मिलता है, लेकिन शुरू शुरू में तकलीफ तो ज़रूर हुई। हमारे श्रीमती जी ने बहुत तकलीफ उसने सही, अब धीरे धीरे सबको आदत पड़ गई है इस बात की, तो अभी किसी को कुछ दिक्कत वाली बात तो आती नहीं है। आप बुद्ध फुले शाहू विचारधारा से जुड़े हैं, आप एक अच्छे नाटककार भी हैं, आप एक अच्छे लेखक भी हैं, आपने कई सभा सम्मेलनों का अध्यक्ष पद भी निभाया है, तो आपके इस बारे में क्या सोच विचार है? देखिए, ये जो विचारधारा है मेरी, बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकर, ये मैंने जानबूझकर अपनाई है और मेरा ये मायना है, मेरा विश्वास है कि यही विचारधारा समाज को उन्नति की दिशा की तरफ ले जाएंगी। समाज में बहुत गलत आज धारणाएं बन रही है, तो बुद्ध का मार्ग ही ऐसा मार्ग है कि जो आज देश को उसकी ज़रूरत है, देश को नहीं दुनिया को ज़रूरत है बुद्ध के मार्ग की। अच्छी अच्छी दुनिया जिसको कहते हैं वो निर्माण होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपका एक नटखट सा, एक राजकुमार सा एक पोता भी है, हम उनसे मिले हैं, तो क्या इस विचारधारा से आप उसको जोड़ना चाहेंगे? देखिए, मेरे पिताजी रेलवे में गैंगमैन थे और काफ़ी बड़ी ज़िंदगी उसने रेलवे में बिताई है मेरे पिताजी ने। वो तो बहुत बड़े श्रमिक थे, वो रेलवे के ट्रैक के ऊपर में 14-14 मन का लोहा सर पर लेकर वो दौड़ते थे। बावजूद उसके जब वो घर आते थे तो वो हमें बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़ने को देते थे, कहते थे कि ये पढ़ो। उन्होंने हमको बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे। तो जिस तरह से मुझे कुछ अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ा, मुझे मेरे पिताजी से ही वो विचारधारा मिली। मैं ये मानता हूँ कि मुझसे मेरा पोता अगर कुछ लेगा तो ये विचारधारा ही लेगा, वो यही मेरी असली संपत्ति है। अगर वो अगर उसको लेना चाहे तो मुझे विश्वास है पूरा कि मेरे विचारधारा से ही आगे बढ़कर वो कदम बढ़ाएगा और अपनी ज़िंदगी में जितने भी बातें उसको करना है इन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़कर वो करेगा। होम मिनिस्टर जी की परमिशन से आपसे तो बातचीत हो चुकी है, उनसे हमने और एक परमिशन ली थी कि आपके घर के पूरे सदस्य से हम बात करें। अब हम जा रहे हैं आपके बड़े बेटे और बहू से बातचीत करने। जरूर जाइए। तो चलिए चलते हैं बड़े बेटे और बहू से बातचीत करने और बढ़ते हैं उनके कमरे की तरफ। विद द परमिशन ऑफ होम मिनिस्टर, हमने घर के मुखिया से तो बात कर ली है, अब चलो मिलते हैं घर के बड़े बेटे से और बड़ी बहू से। चलो उनके रूम में चलते हैं। मैं नॉक कर लूं या ना करूं? चलो चलो, नॉक कर ही लेती हूं। तो विशाखा जी, मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब भी कोई लड़की शादी करके ससुराल में आती है, एक घर छोड़ के उसे नए घर में आना पड़ता है, तो एक नया एहसास होता है। जब आप इस घर में आई तो आपको कैसा लगा इस घर में आके? एक नया घर लगा या आपको मैका ही लगा? हाँ, वैसे हर लड़की को अपने माँ और पिताजी का घर छोड़ते हुए दुख तो होता है, लेकिन
मैं जब इस घर में आई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सभी ने बहुत प्यार दिया और मायके की कमी महसूस नहीं। तो सर आप बताइए कैसा लगता है आपको आपका घर? वैसे तो घर ये सब लोगों के लिए अच्छा ही होता है और मुझे स्पेशली मेरे घर के लिए ऐसा लगता है, मतलब जितना मुझे बाहर अच्छा नहीं लगता उतना मेरे फैमिली के साथ मुझे अच्छा लगता है। एक मेरे आदर्श जो है वो मेरे मम्मी पापा, इन लोगों के साथ समय बिताना और छोटे भाइयों के साथ समय बिताना और विशाखा के साथ और छोटे बच्चे के साथ समय बिताना, इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और घर ये मेरे लिए मंदिर जैसा है। तो विशाखा जी, आप अपने सासू माँ और ससुर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? बहुत ही दोनों अच्छे हैं, दोनों ने मुझे समझा है। बचपन यानी जो मेरी कमियाँ थी वो उन्होंने महसूस ना करते हुए मुझे बहुत सहारा दिया और बहुत संभाला है, बिल्कुल बेटी की तरह संभाला है। मैं बहू बन के आई फिर भी बेटी बन के ही इस घर में रह रही हूँ। विशाखा जी, आपने बताया था कि आपको गाना गुनगुनाना बड़ा अच्छा लगता है, तो आप सर के लिए कौन सा गाना गुनगुनाएंगी? तेरा साथ है तो क्या कमी है, अंधेरा से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो कुछ भी गाने के एवज में आप उनके लिए क्या गुनगुनाना चाहेंगे? हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसको पसंद लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तो बातचीत चल रही थी आकाश जी और विशाखा जी के साथ, अब मिलते हैं परिवार के बाकी सदस्यों से। तो चलिए, घर के बड़े बेटे और बहू से तो बातचीत हो चुकी है, अब बातचीत करते हैं घर के छोटे बेटों से। ये तेरा घर ये मेरा घर इस कार्यक्रम में मैं आप दोनों भाइयों का स्वागत करती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कैसे लगता है आपको आपका घर और क्या विचार है इस घर के सदस्यों के बारे में आपके? हमें तो हमारे माता पिता अच्छे लगते हैं, पूरा परिवार हमें अच्छा ही लगता है। सभी उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है। मुझे तो हमारे पापा जैसा ही बनना है। उनका नाम अभी जितना बड़ा है, उनने भी बचपन से तकलीफें सह के इतना नाम कमाया है, हमें वो आगे नाम बढ़ाना है। अभी आपके माता पिता ने जो आपको संस्कार दिए है, उन संस्कारों के बारे में आपका क्या कहना है? हमें अच्छे ही संस्कार मिले बचपन से, उनके जैसा आदर्श बनना है। साथी में यानी बचपन से हमको माता पिता ने अच्छे से पाला पोसा है, यानी अच्छा ही बचपन से हमें अच्छा ही सिखाया है। बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से बात करकर। तो बातचीत चल रही थी दुपारे बंधुओं के साथ, दुपारे परिवार में। तो हम आ पहुंचे हैं इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में और हमने श्रीमान जी से और श्रीमती जी से गुजारिश की है कि वो अपने शादी के जोड़े में आए। तो जब तक कि वो अपने शादी का जोड़ा पहन लेते हैं, हम ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। लौटते हैं ब्रेक के बाद कार्यक्रम में ये तेरा घर ये मेरा घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है इस शो में जिसका नाम है तेरा घर ये मेरा घर। जी हाँ, ब्रेक पे जाने से पहले हमने इन लोगों से दरख्वास्त की थी कि ये अपने शादी के लिबास में आए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लोग काफी सुंदर लग रहे हैं शादी के लिबास में, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो सर मैडम, हम इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं और इस आखिरी पड़ाव में हम आपसे जानना चाहते हैं आपके कुछ निजी पल। सुख दुख हर इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा होता है,
पहले तो हम लोग दुख का पल शेयर करना चाहेंगे। जी हाँ, दुख के बाद ही हर सुख आता है। दर्शकों, हम सुनने जा रहे हैं दुख के पलों के बारे में। तो मेरे जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख मेरे को उस समय हुआ जब मेरे पिताजी मेरे को छोड़कर चले गए। दो कारणों से दुख हुआ मुझे। तो पिताजी जाने का तो दुख था ही, वो तो बहुत मेरे मार्गदर्शक भी थे, मेरे पालनहार भी थे। लेकिन उसके बाद तो वो सारी जिम्मेदारी, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आकर पड़ी। तो मेरे को उस बात की चिंता भी थी और दुख भी था कि मैं, पिताजी तो गए अभी, तो इसके बाद घर को किस तरह से मैं संभालूं। काफ़ी बुरा लगा आपके पिताश्री के बारे में सुनने के बाद। मैडम, जैसे सर ने अभी बताया, जब इस घर का आधार चला गया था तो सर काफ़ी दुखी थे, तब आपकी क्या परिस्थिति थी? तब तो मेरे पेट में मेरा आकाश था 8 महीने का, तो मेरे को बहुत दुख हो गया था, क्योंकि तब हालात तो कुछ बराबर नहीं थी, बहुत हमारा आधा चला गया था, लेकिन फिर हमने संभाला। बहुत अच्छा हुआ इस क्षण के बाद आपने खुद को संवारा, इस परिवार को संवारा। तो बढ़ते हैं सुख की तरफ। कुछ ऐसे पल हमको बताइए जब आपको बहुत खुशी हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब हुई कि जब मेरी पहली किताब छपी, क्योंकि उस तक मेरे फैमिली के अंदर में किसी ने भी कोई किताब लिखी नहीं थी, किसी की कोई किताब भी नहीं थी। एक लेखक होने का मेरा जो सपना था वो समय साकार जब हुआ, जब मेरी साता समुदा पलिकरे इस नाम की किताब, मेरे नाटकों का संग्रह छपा और लोगों के सामने आया और लोगों ने बहुत तारीफ की उसकी। और तो मुझे वो पल मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ देकर गया कि उसके बाद जितनी भी खुशियाँ मिली वो सारी फीकी रही उसके सामने। जब इतना बड़ा खुशी का समय आया, सर की पहली किताब छपी थी, तो तब मैम आपको कैसा लगा था? मुझे भी बहुत खुशी हो गई, क्योंकि हमारे दुख में सबसे पहला सुख वही था। सुख और दुख दोनों के बारे में तो हमने जान लिया, अब शो में आएगा छोटा सा ट्विस्ट। जानते हैं ये एक दूसरे को कितना पहचानते हैं, पर इसके लिए एक कंडीशन है दोस्तों। हम इनसे पूछेंगे कुछ निजी सवाल और देखेंगे कि कितना पहचानते हैं एक दूसरे को। 30 साल हो चुके हैं आपकी शादी को, काफी लंबा अरसा है, तो क्या स्वभाव विशेषताएं है आपकी अर्धांगिनी की? स्वभाव में तो उसके बहुत विशेषताएं हैं, जैसे किसी भी काम को अंजाम देने के लिए वो जो भी काम सामने रहे उसको ठीक ढंग से होना चाहिए वो। तो सर, इस लंबे अरसे में कुछ ऐसे प्रसंग आए होंगे जिनमें आपको लगा होगा कि हाँ, इनका बहुत मुझे सहारा है, अगर कुछ ऐसे पल हो तो आप हमें बताएं। हमने एक नाट्य सम्मेलन लिया, उस समय में मेरे श्रीमती जी ने मुझे बहुत साथ दिया, मेरे साथ हमेशा रही। मेरा रमाई नाम का नाटक जो पूरे भारत में लोकप्रिय हुआ, उसकी काफ़ी शो हुई, तो मेरी 1000 से ज़्यादा शो हुए, तो उसमें करीब करीब 25 शो में वो मेरे साथ में हमेशा दौरे में रहती थी। बाहर गाँव जब जाती थी तो वो मेरे साथ में रहती थी और कहती थी कि ये सारे कलाकारों का जो मैनेजमेंट है वो खुद को आगे ला कर कहती थी मैं ये सब करूँगी। मुझे लगता है कि उसके वजह से मैं मेरे रंगभूमि, मेरे थिएटर के काम में बहुत सक्सेस हो गया। काफी अच्छा लगा आपके विचार सुनकर। अब देखते हैं आपकी श्रीमती जी क्या बोलती है। तो श्रीमान जी क्या कहते थे श्रीमती जी के बारे में, वो तो हम लोगों ने जान लिया, अब जानते हैं श्रीमती जी क्या कहते। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस सालों में आपको क्या विशेषताएं मिलती है आपके श्रीमान जी में? विशेषताएं ने मेरे को बहुत आनंद है कि वो साहित्यिक है, लेखक है, और बहुत मेरे को ये लगता है आदर है। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरा पति सबसे, सबके पति से बहुत ऊंचा है। तो कोई ऐसा प्रसंग आपको याद आता होगा जिसको याद करके आपको लगता हो कि अगर ये नहीं होते तो मैं काश ये काम ना कर पाऊँ? नहीं, किस कोई भी अर्धांगिनी को तो उसका पति तो होना ही जरूरी है, लेकिन उनका कैसा आधार है ने हर फंक्शन में मुझे लेके जाते हैं, साहित्य सम्मेलन में लेके जाते हैं, या कोई ड्रामा है, नाटक है, हर गांव में मुझे लेके जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनका वो देख के पढ़ के।
सर गुस्सा कब होते हैं? उनको झूठ बोलना पसंद नहीं है, और सच तो उनके जेब में से जब कोई पैसे निकाल लेंगे, यानी मैं ही निकालती सवेरे दूध लाने के लिए किसी के लिए, तो वो बहुत गुस्सा होते हैं। बाकी वैसे गुस्सा कभी नहीं होते वो, लेकिन बिना पूछ के जब पैसे निकाल लेंगे और बताएंगे नहीं, कभी कभी बराबर है ना उनका भी, कभी चले जाते पैसे निकाल लूँगे, पेट्रोल भरना है जब में पैसे नहीं रहेंगे, तो गुस्सा तो वो बारे में तो बहुत गुस्सा होते हैं। तो फिर वो जब गुस्सा होते हैं तो आप उन्हें कैसे संभालती हैं? मैं फिर उनको समझाती, नहीं भैया आप सोए थे, मेडिटेशन बैठे थे, तो मैं बात नहीं कर सकती थी, तो मैंने ले ली और दूध लेके आई या कुछ लेके आई, तो फिर वो समझ जाते। तो देखा दोस्तों, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इस परिवार में, और ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग सभी परिवारों में होनी चाहिए। तो जाते हैं आखिरी पड़ाव में, मैं भुला लेती हूँ श्रीमान जी को। तो आ गए हैं हम इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, जानते हैं एक दूसरे को कितना पहचानते हैं और पूछते हैं इनसे कुछ चटपटे सवाल। तो सर आपसे शुरू करती हूँ मैं, देखते हैं आप अपनी श्रीमती जी को कितना जानती है। तो श्रीमती जी आपका भी हमें सपोर्ट लगेगा, आप बताइएगा ये आंसर बराबर दे रहे हैं या नहीं। तो सर आपकी श्रीमती जी की सबसे करीबी दोस्त कौन है? एक कुंभलकर नाम की बाई है जो उसकी बहुत करीबी है। बराबर है मैडम। अच्छा तो इनका सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है? सफेद रंग। सफेद रंग बराबर है मैडम। इनके स्कूल का नाम क्या है? लखोटिया भुतड़ा हाई स्कूल कुंडाली में। अच्छा इनका पसंदीदा लिबास कौन सा है? ये साड़ी पहनने, हमेशा साड़ी पहनने के रहती है, साड़ी के सिवा उसको कुछ पसंद नहीं आता। अच्छा तो ठीक है, अब हम ऐसे ही कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। 5 में से 4 सवालों के आंसर आपने बराबर दिए हैं, मतलब 80% होते हैं। 80% मतलब तो मेरिट ही हो जाता है। तो देखते हैं मैडम जी क्या कहते हैं। तो आप बताइए श्रीमान जी की गाड़ी का नंबर क्या है? गाड़ी का नंबर डिओ का नंबर MH 31 यानी दोपहर से DD 7931। अरे वाह, बहुत कम लोगों को पता रहता है ये। तो सर के चश्मे का नंबर क्या है? चश्मे का नंबर -0.5 है। सर का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? खाना गुलाब जामुन रसगुल्ला, वो तो बहुत खुश हो। सर बराबर है। अच्छा तो सर की पसंदीदा जगह कौन सी है? उनका मेडिटेशन रूम ही है, घर का बताए तो मेडिटेशन रूम। बराबर है सर। मैडम आपकी जो सासू माँ थी उनका शादी से पहले का सरनेम क्या था? सोमकोर। बराबर है। आपने तो 5 बराबर आंसर दिए हैं, मतलब मैडम जी तो आपसे आगे निकली। तो ये था दुपारे परिवार, ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए घर के साथ, एक नए आंगन के साथ, एक नए परिवार के साथ। तब तक देखते रहिए आवाज। तो ये था दुपारे परिवार, हमने कुछ वक्त बिताया दुपारे परिवार के साथ, अच्छा लगा ना आपको? अगले एपिसोड में भी हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही एक परिवार से। तब तक के लिए अलविदा, देखते रहिए आवाज़ इंडिया।